मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र गुरु चरण प्रतिशत पूज्य गुरुदेव श्री जिनके महाप्रताप से आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, उनके 111वें जन्म वर्ष में हम लोग उनके जीवन चरित्र को पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन चरित्र पढ़कर हमें बहुत सारी सीख मिलती हैं, हमारा जीवन भी निर्मल हो सकता है, हम भी उनके द्वारा बताए हुए उनके अंतरंग और बहिरंग जीवन को समझकर अपना हित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से पूज्य गुरुदेव श्री के संपूर्ण जीवन का अवलोकन करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखो, आज जिन लोगों ने गांव नहीं देखे होंगे या आने वाली पीढ़ी ने भी गांव ना देखे होंगे, उन्हें गांव की कल्पना करना बहुत कठिन काम है। नाम तो लगता है गांव या ग्राम, लेकिन मैं अभी उसकी पहले रूपरेखा खींचूंगा, वो ग्राम कैसा होगा। सोनगढ़ में भी 60-61 तक 1960-61 तक तो लाइट ही नहीं आई थी, धूप अंधेरा, शाम को चले जाओ तो चारों ओर घोर अंधेरा। स्विच चालू है सर, समझ में आया कुछ? कहने का मतलब क्या निकला? ऐसा धूप अंधेरा, लेकिन इस धूप अंधेरे में कल हम आ रहे थे, आज आ रहे हैं। इसके पहले एक बात जो कल मैंने गलत तिथि बताई थी श्रीमद राजचंद जी की, वह तिथि भी मैं सही बता रहा हूं आपको। 11 नवंबर 1867 को बावणिया में श्रीमद राजचंद जी का जन्म हुआ था, कार्तिक सुदी पूनम विक्रम संवत 1924, और उनके 22.5 वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ। एक बात और बतानी थी, मनहर भाई ये जो गुरुदेव श्री के कुटुंबी ये सूरत में रहते हैं, और एक इन्होंने परमागम मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ईशान इंद्र बने थे मनहर भाई, 80,000 रुपए की बोली लेकर के ये बने हुए थे, इनकी जानकारी मुझे मिली है, वो मैंने आपको बताई। और जब उमराड़ा में आए तो उमराड़ा में गुरुदेव श्री के मामा, उनका नाम था गांडा भाई, और उनके पुत्र का नाम धीरज लाल, जो संभवतया अभी भी उमराड़ा में रहते हैं जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी कोई फेर फार हो तो आप देख लेना। ये तो वो जानकारी हुई जो बताने की शेष थी। अभी ये बताना है कि जब मोतीचंद भाई उमराड़ा में आ गए तो फिर व्यापार क्या किया, तो उस समय हालत बहुत खराब हो रही थी, ये आपको बताई जा चुकी है, स्थिति बहुत खराब थी। तो वहां पर गांव में ग्रामीण लोग तेंदू पत्ते तोड़कर लाते थे और उसकी बीड़ियां बनाते थे, तो ये उसको कलेक्शन करके भावनगर आदि में सप्लाई कर देते थे। उस समय उनकी प्रतिदिन की इनकम 4 पैसे से लेकर 6 पैसे थी, 4 पैसे से लेकर 6 पैसे। मैं थोड़ा सा आपको उसका भी परिचय दे दूं, उस जमाने में आज से 125 वर्ष पहले गुरुदेव श्री का जन्म हुआ, 111वां वर्ष चल रहा है, उस समय की ये बात चल रही है, उससे पहले की ये बात चल रही है, उस समय 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे, 100 पैसे नहीं हुआ करते थे, 4 पैसे का एक आना हुआ करता, जैसे आज 4 आना में 24 पैसे 25 पैसे कहते हैं अपन, 4 आना, नहीं उस समय 1 आना में 4 पैसे और 4 आना में 16 पैसे ऐसा चलता था, और 1 पैसे में 3 पाई चला करती थी, और 1 पाई में भी 2 धेला ऐसा कुछ था, क्या 2 धेला था ना, ऐसा चलता था। कहने का मतलब ये उस समय की मुद्राओं के हिसाब बता रहा हूं। देखो, ये इसलिए बताया है कि आपको तो अनुमान भी नहीं होगा कि इतनी कम इनकम, ये आपकी भाषा में कम हो सकती, लेकिन उस समय मैं अभी और जानकारी दूंगा तो आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकेंगे कि जो इतना बड़ा स्वाध्याय मंदिर विद्यमान है उस जमाने में मात्र 12,000 रुपए में बना था, 12,000 रुपए में, कब? 1991 के बाद,
1992-93 के लगभग विक्रम संवत 1993-94 उस जमाने में 12,000 रुपए का बना था, इतना विशाल, जिसमें चार कमरे और एक विशाल हाल है और बहुत मजबूत है, पक्का है। खैर इसकी चर्चा तो अपन और आगे भी कर सकेंगे, लेकिन ये बात बतानी थी। अभी देखो, अब हम चलते हैं उमराणा का वह गांव, जिन लोगों ने देखा है, एक नीचे छोटा सा कमरा है और एक कमरा ऊपर है। बाजू से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड से एक सीढ़ी ऊपर गई है लकड़ी की, एक कमरा वो, एक कमरा नीचे, और बाहर एक छोटा सा टेरेस, छोटा सा है। अभी आप कल्पना करो, ये दो कमरे हैं, लाइट नहीं है, अंधकार हो रहा है, बिल्कुल ग्राम में कहीं लाइट का पता ही नहीं है, कहीं दिए जलते हैं, कहीं चिमनी जलती है, कहीं सीसी में तेल भर करके वो छोटी सी चिमनी जलती है। ऐसे माहौल में कितने मेंबर हैं, कम से कम गुरुदेव के माता पिता दो कम से कम, और पांच मेंबर गुरुदेव के भाई, पांच और दो सात मेंबर गिरी हालत में इतने तो हैं, ये दो कमरों में रह रहे हैं। और ऐसे में ही मैंने जैसा कि आपको बताया था, बहुत कंफर्मेशन करने के बाद तिथि निकलती है सोमवार, रविवार अभी तक निकलती थी, वो गलत जानकारी में थी। 21 अप्रैल 1890 बैसाख सुदी दूज 1946 विक्रम संवत, एक गुरुदेव श्री का जन्म तिथि बिल्कुल अच्छी तरह से कंफर्म की जा चुकी है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय उनका जन्म हुआ। अब मैं इसका ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, ये तो आप अनुमान लगा लेना कि उस समय पूरे घर का माहौल क्या हो जाता होगा। खैर फिर एक ज्योति सी आए और उन्होंने बताया कि ये आपका पुत्र लोक पूज्य बनेगा, महापुरुष बनेगा, इसकी ख्याति देश में ही नहीं विदेश में भी फैलेगी, ये कोई अद्भुत महापुरुष होगा और तुम्हारे घर का नाम रोशन करेगा और अल्पकाल में आत्मकल्याण कर को प्राप्त होगा, माने ये कोई अद्भुत महापुरुष होगा, ऐसी घोषणा ज्योतिषी ने की। और जब ऐसी घोषणा हुई तो नीचे जो कमरा है उसके बाहर थोड़ा सा आंगन है, जैसे आप क्या कहते हैं ओसरी, ओसरी टाइप की, वहां पर लकड़ी का झूला है जो आपने देखा होगा सोनगढ़ में, उसमें कपड़े में बालक को लिटाया हुआ है और माता दिन भर बाहर बैठ करके गेहूं बीनती हैं, कभी कोई काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, कपड़े सीती हैं, छोटे मोटे काम घर के करती हैं, और बच्चे को हिंडोला झुलाती रहती हैं। इतने सुंदर, इतने गोरा रंग था, बाद में भी गोरा रंग हमने देखा ही है, लेकिन बालक की दशा में क्या होगा, जो 90 बरस के पुरुष के रूप में इतनी वृद्धावस्था में इतने सुंदर, इतने आकर्षक लगते हो, ऐसा जब जन्मे हाल का बालक का कैसा लगता होगा। तो वहां पर माता ने इनको बड़े प्रेम से जो नाम रखा था कानू, वो तो कान जी बाद में हुआ, कानू नाम रखा, लेकिन इसको माता बड़े प्रेम से पुई कहती थी। पुई, पुई का मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूं, जैसे रुई की पौनी कोमल होती है, सफेद होती है, कपास कॉटन, तो ऐसे ही उसको पुई माने पौनी, मानो रुई का बालक हो, मानो रुई जैसा हो, ऐसा पुई कहकर के उसे पुचकारती, खिलाती, हिंडोला देती, गीत सुनाती। कभी गीत कौन सा सुनाया होगा तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने कल्पना की है वो गीत आपको सुना रहा हूं। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूं के वीरा, तू तो है जानन हारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, ओ तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कसायों की भी, तेरे सहज स्वरूप में बेटा। अर्थ तो समझ में आ रहा होगा, समझाने की जरूरत तो नहीं है। तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना,
नहीं गंध कसायों की भी, तेरे सहज स्वरूप में बेटा तुम अरस अरूपी भगवन, भगवन ही बन कर रहना, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ए पंच परम परमेष्ठी है सदा पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी हैं सारे। ए पंच परम परमेष्ठी है सदा पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी हैं सारे। तू नित प्रति उनको ध्याना, ज्ञायक नित सांझ सवेरे, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। क्योंकि ज्योतिषी ने बता दिया था ना, ये तो कोई अद्भुत महापुरुष होने वाला है, क्रांति कर देने वाला है देश विदेश में है। अरे मोह की अंधियारी बीते, खुलते जब ज्ञान के नैना, तुम ज्ञायक को नित लखना, तुम ज्ञायक को नित लखना, संयोग का मोह न करना, तुम सहज हो जानन हारे, और जानन हार ही रहना, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुम सहज हो ज्ञान स्वरूपी है? देखो मुझे नहीं मालूम उनकी माता ने गीत सुनाया भी होगा कि नहीं, लेकिन झिनवाणी माता ने तो गुरुदेव श्री को यही गीत सुनाया था, और असली माता तो यही थी है? है? तुम सहज हो ज्ञान स्वरूपी, और सहज ही ज्ञाता रहना, फिर सहज प्रगट हो जावे वो रत्न त्रय का गहना। तुम चिंता नहीं करना, तुम तो अपने को सहज ज्ञाय 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 लगते 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 रत्न त्रय का गहना प्रकट हो जाएगा, फिर सहज प्रकट हो जावे वह रत्न त्रय का गहना। कैसा है वो कर्म वो कैसा है वो रत्न त्रय का गहना कैसा है? जो कर्म बंध से न्यारा, अरुगण धर को भी प्यारा, तुम भी चैतन्य में बसना, महावीर बनोगे बेटा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। सहज को लखते लखते मुक्ति मार्ग प्रगट हो जावे, फिर काल अनंतों सुखमय, फिर काल कभी माता बालक को गोद में लेती होगी, पिताजी गोद में लेते होंगे, फिर काल अनंतों बेटा तुम मुक्तिपुरी में रहना। सहज को लखते लखते मुक्ति मार्ग प्रगट हो जावे, फिर काल अनंतों सुखमय, तुम मुक्तिपुरी में रहना। तुम मुक्त स्वरूप को जानो,
अपना स्वरूप पहचानो, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझ बेटा कहूँ के वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ऐसी लोरियां कभी कभी ऐसे एक एक दिन करके बालक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। कभी हरी बहन की गोद में खेलता है, कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी पिताजी का कुर्ता पकड़ करके उनके उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, कभी ग्रामीण वासी आकर के ऐसे सुंदर बालक को खिलाते हैं। एक एक दिन करके ऐसे बालक गुरुदेव श्री दूज के चांद की भांति बढ़ते बढ़ते ये कहानी आई। अब 1948 में खास तौर से इसलिए इसको याद किया कि 1948 में गुरुदेव 2 वर्ष के हुए और गुरुदेव श्री की स्मरण शक्ति इतनी विचक्षण थी कि वे कहते थे कि मुझे 2 वर्ष की उम्र से याद है, 2 वर्ष की उम्र से मुझे याद है। हरी बहन मुझे गोद में लेकर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की बारी में वहां बैठे होते थे, और आपको भी दिख रहे होंगे, वहां पे दिख रहे होंगे ना, बालक का नन्ना हाथ खिड़की में से बाहर जा रहा है, वो बा को बुला रहा है, बाह बाह। हरिबेन कह रही देख वो बाहर आ रही, देख पानी लेकर बाहर आ रही, बाहर आ रही, रो मत चुप हो जा, देख बाहर आ रही, देख। शादी होवे प्रसंग एक साथ सुनने में आया, शादी का प्रसंग होवे तो बा को वो वहां से देखते थे, कोई शादी का प्रसंग था तो गुरुदेव वहां से देखते, पानी भर के आवे, पानी भर भर के लाना पड़े। हरिबेन की गोद में बालक ऐसे ये 2 साल का प्रसंग गुरुदेव श्री, ये 1892 की बात हुई, 2 साल बाद माने 1948, इसका मतलब क्या निकला 1992, सन 1992 इस तरह से उन्होंने देखा। और इतना सुंदर रूप होने से अभी धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने पर इनको गांव के बच्चे आसपास के बच्चे मैडम कहकर के चिढ़ाने लगे। मैडम का मतलब है कि सुंदर लड़की दिखने में रूपाड़ी कोई लड़की बच्ची छोटी सी हो बच्ची, तो इतना सुंदर रूप गोरा रूप तो ऐसा देख देख कर सब इनको मैडम मैडम कह करके भी बुलाने लगे। कितने नाम हो गए, कानू हो गया, मैडम हो गया, पुई हो गया, बाद में कांजी स्वामी हुआ, बीच में जब पालेज आ गए पालेज, तब कुंवर जी भाई ने और गांव के लोगों ने उनको भगत कह करके भी बुलाना शुरू कर दिया। वो क्यों कहना शुरू किया उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। इस तरह से 1894 अर्थात 1950 संबत में सबसे पहले जब लगभग 3.5-4 वर्ष की उम्र हुई तो सबसे पहले पढ़ने के लिए गुरुदेव श्री को धूड़ निषाढ़ में भेजा गया। अब ये धूड़ निषाढ़ आजकल नहीं चलती है, आजकल इसका नाम हम बाल शिशु मंदिर कहते हैं, जहां स्लेट पट्टी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्लेट पट्टी क्या बोलते हैं, है ना, वो कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां खेल खिलौने मिलते हैं। उस जमाने में खेल खिलौने नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में खेलने के साधन नहीं थे। उस धूड़ निषाढ़ में, धूड़ निषाढ़ का मतलब ऐसा था, एक वृक्ष हुआ करता था, एक वृक्ष के नीचे बहुत बड़ा सड़क, धूल की आंगन, धूल का आंगन, जमीन कच्ची जमीन, कच्ची जमीन, और वहां पर एक मास्टर जी हुआ करते थे कि जो बच्चे पहली बार में रोते रोते आते हैं, स्लेट पट्टी पट्टी नहीं ला सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों को धूल में खेलते खेलते उंगली से धूल में लिखना सिखाते थे। खेलने में देखो देखो ये हमने चूल्हा बना दिया, देखो ये डंडा बना दिया, देखो ये सांप बन गया, ऐसे धूल निषाढ़ में सबसे पहले गुरुदेव को पढ़ने के लिए दाखिल किया गया। थोड़े ही समय बाद 6-8 महीने बाद लगभग 1 साल बाद जब 5 वर्ष की उम्र हुई तो सबसे पहले निषाढ़ में भर्ती किया गया। इस तरह से निषाढ़ अर्थात स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए, जहां पर वे करीब कक्षा 6 तक तो 1913 तक उनकी पढ़ाई हुई, इस हिसाब से देखा जाए तो कक्षा 7 तक उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन 1907 का मतलब मैं बताऊं, उससे पहले एक प्रसंग और बताना चाहता हूं। गुरुदेव श्री के घर के संस्कार कितने जोरदार थे कि छोटी उम्र से ही गुरुदेव 4-5 साल की उम्र से ही, हालांकि और छोटे से भी गए हैं, लेकिन हो संभालने से 2-3-4 साल की उम्र से माता पिता के साथ थानक में जाना, थानक में सत्संगति होती थी, पर्युषण के दिवस आते थे, पच्चखांड होते थे, आदि आदि सब होते थे, परिक्रमण होते थे, तो गुरुदेव श्री बड़े ध्यान से सुनते समझते।
और 6 बरस की उम्र में कोई ऐसा वहां पर सत्संग हुआ, वहां पर सबसे पहले सबसे छोटी उम्र में 6 बरस की उम्र में गुरुदेव श्री ने आजीवन के लिए रात्रि जल का त्याग कर दिया था। इतना छोटा शिशु, शिशु ही कहना चाहिए, बालक कहना चाहिए, और 6 बरस की उम्र में जो रात्रि जल का त्याग किया, तो फिर देह छूटने तक कभी लाख तकलीफें आवे, रोग आवे, जो होवे होवे, लेकिन कभी रात्रि का जल पिया नहीं। और इस तरह से पढ़ते पढ़ते कक्षा 7, 6 तक की परीक्षा दी है, पास कर लिया है, लेकिन 7वीं की परीक्षा गुरुदेव इसलिए नहीं दे सके क्योंकि 13 बरस की जब उम्र हुई गुरुदेव की, तब उमराड़ा में प्लेग फैल गया। प्लेग कितनी भयानक बीमारी अभी है जो हमने सूरत में देखी है, सुनी है, समझी है। उस जमाने में जहां पर कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं था, उमराड़ा में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं था, केवल टोटकों के इलाज हुआ करते थे, लोग अंधानुकरण किया करते थे, अंधविश्वासी हुआ करते थे, उस जमाने की बात। लेकिन उससे उसको मैं बताऊं, उससे पहले ये बात कि गुरुदेव स्कूल में पढ़ने जाते, विचक्षण बुद्धि थी, एक बार में गुरुदेव गुरुजी पढ़ावे, टीचर पढ़ावे, और एक बार में समझ में आ जावे, याद हो जावे, इतनी तेज विचक्षण बुद्धि। लेकिन उनको ज्योमेट्री में अर्थात भूमिति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, तो लगभग वो उसमें या तो पास होते थे या कमजोर रहते थे, तो अक्सर उनको डांट पड़ती थी कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, मेहनत क्यों नहीं करते, तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम ज्योमेट्री में भी सही क्यों नहीं आते हो। तो गुरुदेव श्री तो घर जाकर रो पड़े, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे इसमें अपना आत्मा का हित नहीं दिखाई देता। वो छोटी उम्र में गुरुदेव घर पे आके रो पड़े, बस्ता एक तरफ रखा, मां मुझे नहीं पढ़ना, इस पढ़ाई में मेरे आत्मा के हित का कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। तो मां ने कहा, बेटा रो मत, एक काम करो, तुम आज से पाठशाला जाना शुरू कर दो। तो जैन पाठशाला में जाना शुरू किया, छोटी उम्र में ही, 6-8 बरस की उम्र में जैन पाठशाला में जाने लगे। अब स्कूल में गुरुजी जब बार बार कहवे, तो एक विद्यार्थी ने शिकायत कर दी कि गुरुजी ये थानक में बहुत जाता है, ये जैन पाठशाला में बहुत जाता है, इसका मन भई लगा रहता है, इसलिए ज्योमेट्री में कमजोर है। तो एक दिन गुरुजी ने उनके टीचर ने उनको डांट दिया कि सुनो, पहला निशान पछी पाठशाला। तो इतनी छोटी उम्र होने पर भी उन्होंने दृढ़ता से बोला, ना ना, पहला जैन पाठशाला पछी निशाण, हमारा आत्मकल्याण होवे, ये तुम्हारा लौकिक ज्ञान आवे कि नहीं आवे, लेकिन हमें तो पहले नंबर आत्मकल्याण करने के लिए पाठशाला जाना है। इस छोटे से बालक का उत्तर, हमें तो पाठशाला जाना है, ये तो अपने बालकों में संस्कार देने की कितनी जरूरत है, ये देखने जैसी बात है ना। ऐसे प्रसंग होते बहुत सारे प्रसंग आपने सुने होंगे स्कूल के भी, खास तौर से एक सुंदर जी रूपा जी का सुनने में आया होगा आपको। 1955 की बात है, 1955 का मतलब ये निकला विक्रम संवत है ना, 1899 में ये बात हुई। सहपाठी सुंदर जी रूपा भाई, इनके पिताजी का नाम रूपा भाई भावसार है ना, सुंदर जी, ये नाक का निकाल निकाल करके ऐसे घूना निकाल निकाल करके खाते थे, ऐसी इनकी आदत थी। तो गुरुदेव उनको बहुत टोकते थे, प्रेम से टोकते थे, बड़े प्रेम से कहते थे, भाई हे भाई है ना, अरे सुंदर, आ तारी टेप क्यारे सुधर से, हैं, नाम सुंदर और अने काम एवो, तमारू नाम एवो सुंदर अने काम एवो, अरे रे आपने सोप तो नथी, आपने सोप तो नथी। गुरुदेव श्री इस दृष्टांत को कब कहते थे, जब ये बात आती थी, अरे रे तम तो भगवान छो ना, ए रागादिक का पुण्य भाव का शुभ भाव का घूना सोबता नहीं है। क्या कह रहे थे, ए तुझे शुभ भाव का घूना ए विकार, ए सुबह शुभ भाव विकार है, मल है। धीरे से कहूं कि जोर से कहूं, आप तो जोर से कह सकते हैं, क्या है। गुरुदेव श्री कहते थे कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधाए, ए पण ये तो कोई की ताकत, अरे रे कौन कह सके, ए भाई ये तुम्हें सोपता नहीं, तुम्हें परमात्मा छो, तुम भगवान हो, ये तुम्हें सोपता नहीं है। इस प्रकार से
उनका जीवन वृतांत आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत सुंदर घटना में बच्चों को भी सुना रहा हूं और आप सबको भी सुना रहा हूं। 1956 में अक्सर ऐसा होगा, बात 1956 अकेले की नहीं है, प्रसंग में 1956 का सुना रहा हूं भले ही, लेकिन अक्सर जब गांव में रहेंगे तो घूमने भी जाएंगे, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम घूमने भी जाते हैं। एक दिन खुशहाल भाई, मोटा भाई, बड़े भाई खुशहाल भाई और गुरुदेव दोनों ही घूमने के लिए गए। सब तरह की बातें हो सकती हैं, बहुत हुई होंगी, अब सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। एक दिन ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो आपस में ऐसे बातें करने लगते हैं, क्यों तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, आदि आदि इस तरह से ऐसे पूछते पूछते खुशहाल भाई ने बोला कि मैं तो मोटा व्यापारी बनूंगा, मैं तो खूब मोटा व्यापार करूंगा, अपने घर में गरीबी है ना, वो गरीबी दूर करूंगा, मैं इतना कमाऊंगा कि सब मम्मी पापा, हमारे बा, हमारे बापू सब सुखी हों, ऐसा खूब धन कमाऊंगा। क्या बोला उन्होंने, हम तो व्यापारी बनेंगे। लेकिन गुरुदेव श्री ने बोला कि मैं वो काम करूंगा जो कोई नहीं करता है, संसार में जो काम दुर्लभ है ऐसा आत्म कल्याण का कार्य मैं करूंगा, मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। ये छोटी उम्र की बात है, हो 10 बरस की उम्र, 10 बरस की उम्र की बात है, बोला है ना, ऐसा कहा। मुझे इस पर भी एक बहुत अच्छा गीत याद आता है, मैं आपको सुनाता हूं, मैंने आपको लगेगा कि वास्तव में मानो है। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, जिन शासन पाया अब भव का अभाव करूंगा, मैं तो अभव का अभाव करूंगा, मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं है। सुना दूं 2-3 छंद। मिथ्यात्व बस अनादि से ही मैं रुल रहा, मिथ्यात्व बस अनादि से ही मैं रुल रहा, गति गति में खाते ठोकरे अब मैं तो थक गया है। जिन दर्शन से निज दर्शन करके मोह तजूंगा, जिन शासन पाया अभव का भाव करूंगा, हे मेरा निश्चय ये सम्यक निश्चय, 10 साल का बालक, हे मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय, हे खुशहाल भाई इंद्री सुखों की कामना अब है नहीं मन में, उपसर्गों की परवाह नहीं मैं जा बसूं वन में, उपसर्गों की परवाह नहीं मैं जा बसूं वन में, निर्द्वंद हूं स्वभाव से, निर्द्वंद हूं स्वभाव से, निर्द्वंद रहूंगा, जिन शासन पाया अब भव का भाव करूंगा, हे मेरा निश्चय हे मेरा निश्चय। मैं बहुत बड़ा है, बीच बीच में सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं, ऐसे करते 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 एक दिन 10 वर्ष की उम्र में ही मूड़ जी मामा जी मिले, जो ब्राह्मण थे, क्योंकि उमराड़ा के रहने वाले थे इसलिए इन्हें मामा मामा कहते थे, थे तो ब्राह्मण लेकिन उनको मामा मामा कहते थे, क्योंकि माँ के गांव का हो गए तो मामा है ना, इस तरह से उन्होंने उनको क्या हुआ। तो वे अक्सर नहाते हुए घूमते हुए एक गीत गुनगुनाया करते थे, जैसे गुरुदेव ने सुना तो सुनते रह गए। अब मैं गुजराती तो नहीं जानता लेकिन कोशिश कर रहा हूं बोलने की। अनुभवी ने एक लूरे, अनुभवी ने एक लूरे आनंद मारे, भजवा परिब्रह्म ने, भजवा
परिब्रह्म ने बीजों काई न कहवो रे, अनुभवी ने एक लूरे आनंद मो रे, बजबा परिब्रह्म ने बीजों काही न कहवो रे। ये गुरुदेव को इतना अच्छा लगा तो अब 10 बरस की उम्र कोई समझे तो है ही नहीं, तो मामा मामा ए मुरजी मामा आनो शू अर्थ छे, आनो शू भाव छे, तुम गाते तो बहुत अच्छा, इसका भाव क्या है? मुरजी मामा बोले ना हाँ कहीं खबर ना थी भाई ना, कानू कानू मने कहीं खबर ना थी। गुरुदेव को ऐसा लगे रे इतना अच्छा गीत अरे रे क्या कह रहे। ऐसे ऐसे चलते चलते एक बहुत सुंदर घटना सबको ही सुनने जैसी। एक दिन 10 वर्ष की उम्र में ही गुरुदेव श्री जो मैदान था नदी के पास, बड़ा मैदान, भारी मैदान, मोटा मैदान था, सारे बालक गर्मी के दिनों में, जनवरी के दिनों में खास तौर से पतंग उड़ाया करते थे। पतंग गुरुदेव श्री भी वहां पर पतंग उड़ाने पहुंचे, सब खुशहाल भाई पहुंच गए, दीपचंद भाई थे, सभी लोग पहुंचे, कोई ने डोर पकड़ ली, कोई ने पतंग, अब बड़ा भारी मैदान, एक कोई सामने से पतंग उड़ावे, कोई इधर से उड़ावे, कोई इधर से उड़ावे, गुरुदेव ने ऐसे पतंग उड़ाई, अब क्रॉस हुआ, क्रॉस कटाते क्या कहते लड़ाते हैं पतंग, लड़ाते पैंच लड़ाते हैं पैंच, पैंच लड़ाया, सामने वाले की पतंग टूट करके नीचे आ गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो बालक ऐसी आंखों से देखता देखता आंखों से आंसू निकल आए उस बालक की जिसकी पतंग कटी। अब कह तो सके नहीं कुछ, कट गई तो कट गई, वो तो बच्चे हैं खेलते हैं, लेकिन वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू देखे तो गुरुदेव श्री ने उसके पास जाकर उसको अपनी डोर और अपनी पतंग उसको दे दी। आज के बाद से मेरे पतंग उड़ाने का त्याग है, ऐसी पतंग उड़ाकर क्या फायदा जिससे दूसरों का दिल दुखे, दूसरों का हृदय दुखे, हमें ऐसा काम नहीं करना। ये 10 वर्ष की उम्र में ओ पतंग और डोर उसको दे दी। अब खुश रहो भाई, तुम रो मत। इससे मालूम पड़ता है गुरुदेव श्री किसी को रुलाने नहीं आए थे। अरे जगत के सभी जीवों हमारे निमित्त से मत रो, रोने के लिए तो कसायों के निमित्त बहुत हैं, संयोगों के निमित्त बहुत हैं, पाप के निमित्त बहुत हैं, उदय के निमित्त बहुत हैं। सचमुच गुरुदेव श्री तो स्वयं भगवान बनने और सबको भगवान बताने आए थे। ये उनके 10 वर्ष की उम्र की घटना से ये मालूम पड़ता है। आगे 11 वर्ष की उम्र, और यहां से गुरुदेव श्री के जीवन में एक बहुत छोटा सा मोड़ आने वाला है। छोटा क्या कहें, हम तो कहेंगे यहां से बीज पड़ने वाला है। क्यों? कि जैसे ही गुरुदेव की 11 वर्ष की उम्र हुई, 1957, 1946 का जन्म, 1957 में 11 वर्ष हुए, अंग्रेजी के सन के हिसाब से कहा जाए तो 1901, 1901 में 11 वर्ष की उम्र में एक दिन शाम का समय था, स्कूल से गुरुदेव आए, खुशहाल भाई आए, सब आए, दीपचंद भाई मोटे यानी बड़े भाई नीचे नीचे का कमरा साइड में बिस्तर पर लेटे हुए थे। शाम के टाइम अचानक 7-7:30 यही लगभग समय शाम को अचानक उनकी देह छूट गई। भोजन किया, सब आए तैयार हुए और उनकी देह छूट गई। अभी वो 2 कमरे का मकान, ध्यान से सुनना, पूरा गांव छोटा सा, रोने की आवाजें, क्या हो गया? उस दिन उनके घर में पिताजी भी नहीं, माताजी, बड़ी बहन, ये सब, बाकी तो कोई था ही नहीं। पिताजी बॉम्बे में थे उस समय, उसी दिन, और गुरुदेव श्री आदि ये सब घटना घटी। अब गुरुदेव छोटे 10-11 वर्ष की उम्र, तो गांव में तो उस समय की बात है, आज की बात नहीं, आज तो बच्चे डरते नहीं हैं। लेकिन अब माता को ये लगे कि ये कहीं डेड बॉडी देख करके, भाई का सब देख करके, रोता हुआ देख करके, कहीं इसे डर ना लग जाए, इसे भय ना लग जाए, इसे कहीं भूत नहीं आ जावे, कुछ हो नहीं जावे, तो पहले ही बच्चे को चुप करा के, गुरुदेव को चुपचाप, बेटा पड़ोसी के यहां खेलाओ, उनके यहां चले जाओ, मामा के यहां चले जाओ, मामा के यहां चले जाओ, जल्दी से मामा के यहां छोड़ दो। लेकिन गुरुदेव तो जिज्ञासु, हमें आज बार बार भगा क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, आज क्या हो गया है, आखिर बात क्या है? तो गुरुदेव चुप चुप छिप छिप के देखे आके, क्या हुआ है?
पहली 11 वर्ष की छोटी उम्र में और 28 वर्ष की उम्र में दीप चंद जी, जिनकी चर्चा अपन ने पहले की थी, एक्सपायर हो गए। ये पहली, अभी यहां इतनी बड़ी घटना हम भले ही ना माने, लेकिन अभी आगे जाकर देखो तो बैरा का कितना प्रसंग आने वाला है ना। अभी देखो उम्र बढ़ते बढ़ते इसी 11 वर्ष की उम्र में एक दिन निसार से उतरते समय, स्कूल से उतरते समय, आते समय एक स्थानकवासी साधु को जाते हुए देखा। देखो घटना कहां से घटी, एक तरफ तो घर में देह छुट्टी है और थोड़े ही समय बाद मदमस्त साधु को निकलते हुए देखा। मदमस्त चाल, गुरुदेव देखते रह गए, वैराग्यमयी चाल, वैराग्यमयी दशा, झुके हुए नेत्र, नितांत अकेले, अद्भुत दशा। देखते ही पीछे 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 स्थानक में पहुंच गए। बालक की क्या दशा हो सकती, सोच सकते हो मनोदशा, जिसके घर में डेथ हुई है, रोआ है, रोआ राई हुई है, बड़े भाई को रोज देखते थे, आज नहीं देख रहे हैं, अंदर में कौतूहल चल रहा है, क्या हुआ भाई, कहां चले गए, ये मरना क्या होता है, ये कहां चला जाता है जीव, और ऐसे सोचते सोचते और इस साधु का देखना हुआ, उसके पीछे पीछे स्थानक में पहुंच गए और यहीं से इनकी साधुओं की सत्संगति शुरू हो गई। यहीं से सत्संगति शुरू हुई, क्या हुआ, उनकी वैयावृत्ति करने लगे, उनके पास जाने लगे, उनकी सेवा करने लगे। बाद में तो और अभी उम्र बढ़ेगी तब और काम करेंगे, लेकिन इसी बीच 11 वर्ष की उम्र जब इनकी थी, उसी समय एक समाचार गांव में आया, चेत बदी पंचमी मंगलवार 9 अप्रैल 1901 कि श्रीमद जी का देह विलय राजकोट में दोपहर के 2 बजे हो गया है। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, सभी लोगों को चेहरे उदास, थानक में भी सभी लोग इकट्ठे हुए, चर्चा की, वार्ता की, शोक सभा जैसा भाव हुआ, श्रद्धांजलि दी आदि आदि। गुरुदेव कहते हैं मुझे वो दिन याद है जब श्रीमद जी का समाचार गांव में आया था और व्यापार बंद हो गए और लोगों के चेहरे उतर गए, कोई को खाने में मन नहीं लगे, पीने में मन नहीं लगे, अरे आदि आदि। इस तरह का पूरे गांव में शोक छा गया, क्योंकि राजकोट ज्यादा दूर नहीं है और 2 बजे की घटना हुई, तो धीरे जब समाचार आया तो इस तरह की दशा वहां पर बनी। यहां श्रीमद जी का नाम आया तो मुझे एक बात याद आ रही है, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे ख्याल से या नव भारत टाइम्स जो भी हो, श्रीमद जी ने अपने ही समय में यह घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद 50 वर्षों के अंदर अंदर एक कोई का शब्द से शुरू होने वाला नाम, का शब्द अक्षर से, का अक्षर से शुरू होने वाला नाम वाला व्यक्ति जन्मेगा और वो इस 50 वर्षों में जिन शासन की घोर प्रभावना करेगा। ये पहले डिक्लेयर कर दिया था और वो अखबारों में छपा था, कटिंग कईयों के पास उपलब्ध होगी लेकिन मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है इसलिए मैंने आपको बताया है। और इसके बाद अब 1903 अर्थात 1959 विक्रम संवत, 1959 विक्रम संवत, और अच्छा और 1903 माने सन, हमारे अंग्रेजी सन के हिसाब से 1903, बस यही है वो समय जब 13 बरस की उम्र हुई और गांव में प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, प्लेग, जिसमें खुशहाल के साथ, खुशहाल भाई के साथ कानू को टांगे में बिठा करके गारियाधार भिजवा दिया। गारियाधार में इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी तब तक, तो उनके पास सुरक्षित पहुंचा दिया। अब उस समय का क्या वातावरण बतावे, जब पूरे गांव में महामारी फैल रही है, प्लेग फैल रही है, संपत्ति छोड़ी नहीं जा सकती, खाने पीने के साधन छोड़े नहीं जा सकते, जो लिमिटेड खेती बाड़ी है जिनकी वे छोड़ नहीं सकते, लेकिन बच्चों के ऊपर प्रमोद प्रेम, तो बच्चों को गांव वाले अपने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के सुरक्षित पहुंचा दिया। अभी यहां ध्यान से सुनना, इस 1903 के प्लेग में अंतिम दृश्य जब वो जा रहे हैं, कानू बहन के पास जा रहे हैं, तो अंतिम शब्द ये कहा, बेटा कानू, बहन ने साई कह जो, बहन ने बहन को राजी खुशी कुशल कहना बेटा, ऐसा बहन ने साई कह जो, ये अंतिम शब्द गुरुदेव याद करते थे, बताते थे, मां के अंतिम शब्द ये थे हमारे। इसके बाद पूरे जीवन गुरुदेव ने मां को नहीं देखा। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, 11 बरस की उम्र में एक भाई को कब योग देखा, 13 बरस की उम्र छोटी उम्र है, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है,
बहन के घर गए और यहां प्लेग में इनकी मां का देहावसान हो गया। और जब गांव में घर पे सूचना मिली तो बहन तो रोई। अब कानू की क्या स्थिति होती होगी उस घर में। आखिर एक बार फिर झटका लगा, एक वैराग्य का माहौल आया, वैराग्य। अरे रे, अब मेरी मां कभी नहीं मिलेगी, मुझे पुचकारने वाली, खिलाने वाली, प्रेम करने वाली मां कभी नहीं मिलेगी। अब ये जीव आता ही क्यों है, कहां चला जाता है, क्यों चला जाता है, ये बीमारियां क्यों होती हैं, ये मर क्यों जाते हैं, ये तमाम अंदर में वैराग 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 वैराग। अभी आप कल्पना करो, जिस घर में मां हो बेटे को कितना आनंद होवे, और मां नहीं होवे अब क्या होवे। बोलो, ये ऐसे 13 वर्ष की उम्र में मां का वियोग हो गया है ना। इसके बाद अंतर में वैराग की धारा बढ़ती चली जा रही थी। अब गारियाधार में रहते हुए भी थानक में जाना बढ़ गया उनका। थानक में जाने का बढ़ जाने से क्या करने लगे कि साधुओं की बह्य वृत्ति, उनके आहार की व्यवस्था करना, चौमासा में उनके संग रहना और चार चार नकोड़ा उपवास करना, जिसमें मात्र एक बार पानी पिया जाए, ऐसा नकोड़ा उपवास करते थे। और अब इतनी छोटी उम्र में ही, 13-14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में ही गुरुदेव पच्चखाण कराते थे, पटिकमण कराते थानक में पर्युषण के दिनों में। इस तरह से उनका जीवन थानक में धर्म के रूप में बदलता चला गया। पढ़ाई तो तभी छूट गई थी जब प्लेग में छोड़कर आ गए थे, साध्वी की परीक्षा नहीं दी। और यहां पर अभी उन्होंने 1.5 वर्ष संस्कृत पढ़ने का उद्यम किया, इसलिए कि मुझे यदि संस्कृत नहीं सीखूंगा तो धर्मशास्त्र समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि थानक में जाने लगे, साधुओं की संगति करने लगे, अब जो बात आवे वो संस्कृत में आवे। तब गुरुदेव को एक ही जिज्ञासा कि संस्कृत कैसे सीखें। तो गुरुदेव ने 1.5 वर्ष संस्कृत सीखने की चेष्टा करी, लेकिन जब शिक्षक मिला, शिक्षक तो उससे क्या हुई बात कि उससे एक दिन ऐसी बात आई, 10 अष्टथाणा, एक शब्द आया 10 अष्टथाणा। तो गुरुदेव ने पूछा आनो शू अर्थ छे। तो अब वो शिक्षक था वो के जाने 18 के 80, अष्ट 10 थाणा माने, 10 अष्टथाणा माने कि 80 कि 18, 10 अष्ट माने 18 कि 10 8 माने 80। जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया तो गुरुदेव छोटे होने पर भी समझ गए एक बात कि निमित्तों से कार्य नहीं होता। हमें लगता है कि संस्कृत पढ़ेंगे तो शास्त्र समझ में आएंगे, ये बात गुरुदेव को समझ में आ गई कि हमें लगता है कि शास्त्र पढ़े तो संस्कृत समझ में आएगी। ये संस्कृत का भड़ेला मास्टर, ये संस्कृत पढ़ा हुआ मास्टर, इसको 10 अष्टथाणा का अर्थ नहीं मालूम। इसका मतलब है कि कोई निमित्त से है कि बाहर के आश्रय से ज्ञान नहीं होता। और यहीं से गुरुदेव ने कमर कस ली कि मैं स्वावलंबन से आत्मा का हित करूंगा, आत्मा का निर्णय करूंगा। ये छोटी उम्र में देखो आप, है ना। इस तरह से गुरुदेव के ये बचपन की घटनाएं हुई। अब यहीं से चूंकि बड़े भाई की देह छूट गई तो पिताजी मोतीचंद भाई प्लेग हो जाने के कारण से उमराणा में व्यापार फिर खत्म हो गया। अब उमराणा में व्यापार की स्थिति नहीं बची तो खुशाल भाई को लेकर के, दीपचंद जी तो गुजर ही चुके थे, खुशाल भाई को लेकर के पिताजी मोतीचंद भाई दोनों पालेज पहुंचे और पालेज में जाकर के व्यापार प्रारंभ किया। कुंवर जी भाई जो मोतीचंद भाई के बहन के लड़के और गुरुदेव के लिए फावा भाई मैंने बुआ का लड़का, तो उनके साथ कहना चाहिए पार्टनरशिप, उनके साथ मूल पूंजी उनकी और इनकी मेहनत, ऐसे चल करके वह व्यापार वहां पर प्रारंभ हुआ। लेकिन अब व्यापार हम सुनाए उससे पहले अब टाइम हो गया है ना, क्योंकि अब व्यापार की भी लंबी चर्चा है। माने मैं चाहता हूं कि व्यापार की पूरी चर्चा भी तरीके से आपको बहुत सुनने जैसी चर्चा है कि क्या व्यापार और कैसे व्यापार गुरुदेव श्री करें, है ना। इस तरह से लेकिन मैं एक वैराग का दृश्य दिखाना चाहता हूं। पालेज में देखो, एक क्रिटिसाइज नहीं समझना, जो ओरिजिनलिटी है वो है, असलियत है। हमारे आपके घरों में भी यही होता है जो उनके घर में हुआ होगा। पालेज में आप कल्पना करो, एक 13 वर्ष का बालक जिसकी अब मां नहीं है, बड़े भाई नहीं है, पिताजी हैं, और हमें अपनी बुआ के घर में रह करके भोजन करना है, उनसे ही कपड़े सिलवाने हैं, वहीं रहना है, वहीं सारा काम करना है, उनकी आज्ञा में चलकर व्यापार करना है। वह स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जो अपने घरों में मिल सकती है। 25-30 मेंबरों की फैमिली
कॉलेज में मोटा परिवार, जो माँ होवे अपने बेटे का ख्याल रख लेवे, पत्नी होवे वो अपने पति का ख्याल रख लेवे, भाई बहन होवे भाई का ख्याल रख लेवे, सब सबका ख्याल रखें। लेकिन जिनकी नजरों में गुरुदेव डिपेंडेंट्स हों, जिन्हें भोजन कराना पड़ता हो बना करके, जिन्हें पालना पड़े रखना पड़े, उनका खर्चा उठाना पड़े दो तीन मेंबरों का, ऐसे में उस घर की स्थिति क्या बने। प्रत्यक्ष दिखाई भी देवे कि आम बहुत बढ़िया रखे होंगे, तो जो फावा भाई के बच्चे हैं उन्हें तो अच्छा अच्छा मिल जाए, फावा भाई को अच्छा मिल जावे, औरों को बढ़िया दूध में मलाई मिल जावे, सबको अच्छा मिले, गर्म भोजन मिल जावे, ये व्यापार में से लेट आवे तो जैसी दशा बन जावे। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये आपके घरों में भी यदि गुरुदेव होते तो शायद हमारा भी यही स्थिति होती, क्योंकि अभी आपकी नजरों में तो वे पराधीन है ना, पराश्रित है ना। गुरुदेव श्री कहते थे, मैंने कभी ये नहीं देखा कि दूसरे की थाली में क्या है, 13 वर्ष की उम्र से जो थाली में आ गया मैंने चुपचाप खाया और व्यापार में चला गया। मैंने ये नहीं देखा कि घर में क्या चीज आई, घर में क्या गई, रसोई में क्या बनता है, मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैंने आप क्या कहवे, अपने हृदय की बात गुरुदेव किसको कहवे, कोई बालक हो तो मां की गोद में जाके छिप जावे, पिता की गोद में जाके छिप जावे, लेकिन अब किससे कहवे। ऐसे अंदर अंदर बैराग बढ़ता जावे हैं, स्थानक में रुचि बढ़ती चली जाए। एक दिन कोई व्यापारी आया होए तो कोबर जी भाई ने इनको पहुंचाया कि घर जाकर कह दो कि अतिथि आने वाले हैं भोजन के लिए। गुरुदेव गए, बोल दिया एक अतिथि आने वाले हैं, ये मैसेज है व्यापार दुकान से मैसेज दिया, एक अतिथि आने वाले हैं भोजन बना के रखना। बिल्कुल सरलता से, महत्ता से नहीं बोला, महत्ता से नहीं, बस आए बोल दिया। अभी वो आए मेहमान के साथ भोजन करने के लिए, मोटा व्यापारी के साथ। तो उन्होंने पूछा, क्यों इतना सादा भोजन, तुमने कसार नहीं बनाया कसार है तने? वो बनाया नहीं। तो वे बोले, हमें क्या मालूम कि कौन आने वाला है, यदि आप खबर पहुंचा देते कि कोई मोटा आ रहा है तो हम अच्छा पकवान बना लेते, कसार बना लेते। उस जमाने में कसार है लापसी कासा ये मिठाइयां उस जमाने की। तो हमने कानू को भेजा था ना, मैं कानू आया था, लेकिन बस सीधा सीधा चुपचाप आया, बोल दिया भोजन करने आएंगे। माने मैं इस घटना से क्या बताना चाह रहे हैं कि गुरुदेव की विरक्ति अंतर में कितनी रही होगी। ठीक है, तुमने कहा हम जाके घर मैसेज कर देते हैं, हमें अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगाना कि बहुत ज्यादा बताना कि मोटा व्यापारी आया है, अच्छा बनाना, खूब फायदा होगा, बहुत बिजनेस चलेगा, होगा मोटा व्यापारी हमारी नजर में क्या कीमत, मोटा व्यापारी हमारी नजर में क्या कीमत। अरे रे, जिसे आत्म कल्याण साधने का अवसर ढूंढ रहे हो, जो अंदर अंदर विरक्ति पक रही हो, और अल्पकाल में जिन्हें दीक्षा लेने का भाव पकने वाला हो, वो जीव घर में रहता हो इतना विरक्त। ऐसी बहुत बातें हैं, अभी इतनी चर्चा लेते हैं, खासतौर से बाद में इसकी चर्चा व्यापार की पूरी करेंगे हम, एक एक पॉइंट लेकर के, बहुत पॉइंट अभी इसमें हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सुवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो दो।